तो मेरे को सर्विस पहले पहले अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने उनको कंप्लेन करी। एक ही ज़िंदगी है तो मज़े लेना बनता ही है इस गाड़ी के। मिरर्स हटा दिए, वाइजर हटा दिया और सारी गार्ड भी हटा दिया। अगर आप भी लेना चाहते हो बजाज डोमिनार 400 2022 मॉडल, तो आई एम श्योर आप जानना चाहोगे इसके ओनर का क्या कहना है। इसी ऑटो रिडल को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ गए आपके लिए बजाज डोमिनार 400 2022 मॉडल का एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू। स्वागत है आपका ऑटो रिडल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सूरज और आप सभी को मेरे हाई रेविंग नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे साथ मिस्टर केशव। क्या हाल है केशव भाई? बढ़िया भाई। केशव भाई की है ये डोमिनार 400 2022 मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स कट टू द चेस। केशव भाई, कब ली थी आपने बाइक? कितना टाइम हो गया आपको बाइक लिए हुए? 5 महीने पहले ली थी मैंने और नवंबर को ली थी, नवंबर 2 धनतेरस के टाइम पे। केशव भाई, इससे पहले कौन कौन सी बाइक थी आपके पास? मेरे पे GS 150 RR और एंटॉर्क है अब, ठीक है, और अब ये लिया मैंने। ओके, तो डोमिनार 400 ही क्यों लिया आपने और कौन कौन सी बाइक आपने देखी थी डोमिनार 400 लेने से पहले? मैंने उससे पहले देखी थी इंटरसेप्टर 650 और उससे पहले भी देखी थी मैंने ड्यूक 250। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने ये देखी, इसका रिव्यू चेक किया तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी, अपने बजट में वैल्यू फॉर मनी लगी। तो मेरे को दूसरी बात, मेरे को घूमना भी बहुत पसंद है, इसलिए तो इसमें एसेसरीज आ रही थी लगी हुई, तो मैंने ये वाली ली। तो केशव भाई, बाइक में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी अभी तक? मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी इसमें ये कि पावर है इस पे, इस सेगमेंट में इसमें पावर अच्छी है काफ़ी। और बाइक में आपको सबसे गंदी चीज़ क्या लगी अभी तक? सबसे गंदी चीज़ लगी इसका रेयर ब्रेक। अच्छा, रेयर ब्रेक अच्छा नहीं, रेयर ब्रेक अच्छा नहीं है काफी, ठीक है, जैसे उस पे भी बात करते हैं अभी। तो केशव भाई, बाइक में आपको और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? मेरे को पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था कि पावर पावरफुल है बाइक, ठीक है। दूसरा इसका सिटिंग पोजीशन, ओके, और वो भी राइडर वाला, नॉट पिनियन, ओनली राइडर। तीसरा इसका सीटिंग पोजीशन सिटी में अच्छे से चलती है बाइक, प्लस लॉन्ग रूट के लिए भी अच्छी सीटिंग, कंफर्टेबल कंफर्टेबल, हाँ ठीक है। और तीसरा है वैल्यू फॉर मनी, इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा मतलब पावरफुल बाइक और ना ही कंफर्टेबल मैंने कहीं ना देखी है, और ना ही मतलब देखने को तो मिल जाएगी आगे, पर इस टाइम ये इस बजट में नहीं है, नहीं। ओके, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है एग्जॉस्ट नोट, इसका काफी अच्छा है पहले से। ओके, एग्जॉस्ट नोट काफी अच्छा है, हाँ पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पांचवा चीज जो आपको अच्छी लगी हो? पांचवा चीज है इसका स्लीपर क्लच, काफी अच्छा दिया इन लोगों ने, ठीक है, जो पहले आता नहीं था अब आता है इस बजट प्राइस में। और क्या पॉजिटिव पॉइंट है केशव भाई बाइक में? और इसके बाद है हेडलाइट्स पे आ जाते हैं हम, तो हेडलाइट्स जिसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, दिन में तो है ही नहीं, रात में और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है, और विजिबिलिटी रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, 10 to 11 के आसपास, तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है काफ़ी, मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं भी होगी तो भी रोड पूरी विजिबल रहेगी, ठीक है। और कोई पॉजिटिव पॉइंट जो आपको लगा हो बाइक में? और पॉजिटिव पॉइंट इसका टायर साइज रेयर बहुत अच्छा है काफ़ी। ओके, किस क्या साइज है इसमें टायर? 150 आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है, 150 है, 150 है, तो लीनिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती होगी? प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे आपने देखा होगा पहले 250 में बहुत कम टायर साइज है, और इस सेगमेंट में 400 सीसी में काफी अच्छा दिया है उन्होंने, ठीक है। हाँ, एंड आगे वाला टायर साइज ठीक है आपके? आगे वाला ब्रेकिंग में भी सही है और काफी अच्छा टायर है। और कोई पॉजिटिव पॉइंट आपको लगा हो केशव भाई बाइक में? माइलेज जो आखिरी मेरे को लगा पॉइंट है, जो माइलेज है। अच्छा, 400 सीसी के हिसाब से ठीक लगा आपको? ठीक लगा माइलेज में, ठीक है। माइलेज पे भी अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, एंड अभी आ जाते हैं कॉन्स पे। तो केशव भाई, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है बाइक में? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पिलियन सीट के बारे में, और कि जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त चलाता है मेरी बाइक तो मेरे को पीछे बैठना पड़ता है, तो कभी भी मतलब स्टिल रोड पे हम जाएंगे तो सही है, एकदम कंफर्टेबल है, बट जैसे ही कोई गड्ढा वड्ढा आ गया और जैसे उबड़ खाबड़ रोड आ गई तो उसमें दिक्कत होती है पिलियन सीट को। अच्छा, पिलियन में तो दिक्कत पिलियन, होती है। हाँ, और लॉन्ग राइड्स में कैसा लगता? लॉन्ग राइड्स में ठीक है काफी, मतलब स्टिल अगर रोड ठीक है तो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन गड्ढे वगैरह आते तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील, ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट? दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका रेयर ब्रेक। रेयर ब्रेक जैसे आपने पहले बताया, हाँ, था रेयर ब्रेक आपको पसंद नहीं आया, हाँ, क्या इशू आता है रेयर ब्रेक? जैसे मतलब कोई आ गया सामने या एनिमली आ गया आगे, तो एकदम से हम थोड़ी हाई स्पीडिंग में होती है कभी कभी, तो इसमें ब्रेक में आवाज आती है काफी, रुक तो जाती है पर आवाज बहुत आती है, और दूसरी कम लगते हैं। ओके, मतलब थोड़ा सा बाइट भी कम है और आवाज भी करते हैं लगाने पे। आगे वाले में तो कोई ऐसे आगे वाले में कोई इशू नहीं है, आगे वाले की परफॉर्मेंस अच्छी है, काफी अच्छी है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट? तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका एसेसरीज जो इन्होंने लगा के दिए 22 मॉडल में, वो हाँ, मैं एक्चुअली आपसे पूछना ही जा रहा था, काफी टाइम से मैं ये वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो 2022 मॉडल में जो अपडेट हुए थे बाइक में, बहुत सारे एक्सेसरी लोडेड थी क्रूजिंग के लिए,
वो इसमें आप देखोगे तो बिल्कुल भी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि सब निकाल दिए केशव भाई ने। तो क्यों केशव भाई, आपने क्यों निकाली ये? क्योंकि स्ट्रीट में उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को चलाने में कि लग जाएगी कोई, क्योंकि वो काफ़ी बाहर निकली हुई है होती है, और इसके मिरर्स भी जो वाइड हैं काफ़ी, वो कभी लगने में, एक बार मेरी लग भी गई थी ठीक है, तो इसलिए मैंने वो मिरर्स हटा दिए, वाइजर हटा दिया और सारी गार्ड भी हटा दिया, काफ़ी आवाज़ करता है इसका सारी गार्ड, तो मैंने वो भी हटा दिए ठीक है। तो ये एक्सेसरीज वगैरह हटा के कुछ बाइक में आपको फील हुआ वेट वगैरह में? फील थोड़ी वेट लॉस हो गया इसका और कॉन्फिडेंस ज़्यादा आने लगा चलाने में, हाँ कॉर्नरिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा मेरे को, इसलिए मैंने ये हटा दिए सारे। तो ये आपने मतलब आफ्टर मार्केट हटवाए थे या खुद ही किया था, कैसे खुदी था? ये आसान है हटाना, मैंने इसको खोला और एलन की ली और कर दिया काम। एल की मतलब इसी में बाइक में मिलती है आपको? हाँ, मिलती है काफी। अच्छा, इसमें मिलती है। तो उसी से आपने इजीली कर लिया था खुद ही घर पे ही ठीक है। और क्या नेगेटिव पॉइंट लगा केशव भाई आपको बाइक में? नेगेटिव पॉइंट लगा हीटिंग इशू, स्ट्रीट में हीटिंग बहुत होती है इसमें, जैसे कोई चलाते हैं रुकते हैं चलाते हैं रुकते हैं तो हीट हो जाती है गाड़ी ठीक है, तो इसमें हीटिंग इशू मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो काफी हीट होती है, हीटिंग इशू मतलब गाड़ी बंद हो जाती है या हीट आपको पैर वगैरह पे फील होती है? फील होती है, जैसे मतलब एग्जॉस्ट चलता है उसका, मतलब फैन चलता है तो काफी, जो आपने देखे होंगे जो वेंट्स हैं इसमें से हीट बाहर आने लग जाती है तो गर्म फील होता है काफी। ठंड में बंद नहीं होती बाइक? लेकिन बंद नहीं होती, कभी कभी हो जाती है पर ज्यादातर बंद नहीं होती, जैसे आप ठंड में तो आप कर लोगे पर जैसी गर्मी आएगी तो आपको मतलब बहुत ज्यादा हीट लगेगी गाड़ी में, इसलिए। और कोई नेगेटिव पॉइंट? और नेगेटिव पॉइंट है इसका चार्जिंग पोर्ट जो इन्होंने दिया है, इसका आउटपुट बहुत बेकार है, मैंने देखा था काफ़ी जब मैं गया था एक बार मैंने लगाया था, और इसमें जो ये जो पोर्ट दिया है उसमें हैंडल काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब जो होल्डिंग पोर्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। उसमें क्या इशू आता है? उसमें मतलब वो तो होल्ड तो हो जाता है पर बार बार थोड़ा नीचे हो जाता है वो, ऐसा मतलब वो लूज है थोड़ा सा, आपको लगता होगा फोन वगैरह गिर सकता है। अभी ये नहीं आए हैं तो इसके लिए वो अभी बना नहीं है, ज्यादा आए नहीं है काफी। तो केशव भाई नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बाइक के बारे में, अभी तक आपको कोई बाइक में मेजर इशू आया है? कोई मेजर इशू तो नहीं आया, बट एक बार मेरे दोस्त से गाड़ी गिरी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लगी है थोड़ी बहुत से, बस इसमें और इसमें थोड़ी खड़खड़ की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, बट वो कंपनी वालों ने बाद में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी ठीक है। और आपका बाइंग एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा अभी तक? पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आपकी सर्विस कितनी हुई है, कितनी सर्विस हो चुकी है बाइक की? अभी एक सर्विस हुई है, अभी दूसरी सर्विस आने वाली है मेरी ठीक है। हाँ, तो अभी एक ही सर्विस हुई है मेरी, एक ही सर्विस हुई है एंड अराउंड 4000 किलोमीटर के आसपास आपने चला लिया है ना। तो केशव भाई आपका बाइंग एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा अभी तक बजाज के साथ? पहले तो उन्होंने मतलब मैं जब गया था वहाँ पे बजाज डोमिनार देखने 400, तो वहाँ पे गया तो उन्होंने पहले बिठाया तो पानी पुनी पिलाया, तो फिर मैंने बाइक मतलब कंफर्म की, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जब लेने आओगे तो 2 नवंबर को जब लेने आओगे तो उन्होंने बोला कि हम फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि हमारी हाई एंड बाइक है और पहली मतलब पहली बिक्री थी मतलब उनके वहाँ से, ये 22 मॉडल पहली बिक्री थी। अच्छा, देहरादून का मतलब ये आपका पहला मॉडल है 2022? हाँ, पहली बिक्री थी तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, बट जब उनके हाथ में कैश आया तो वो कहा और हम कहा, उनको कुछ पता नहीं है, बस बाइक की चाबी हाथ में और वो गए बस, मतलब फोटो भी नहीं खिंचवाई नहीं अच्छा ऐसा कुछ फील गुड नहीं करवाया? नहीं, बस पहले पहले करवाया बस। अच्छा, आफ्टर सेल्स क्या क्या एक्सपीरियंस है? आफ्टर सेल्स तो पहले मतलब जब मैं गया, जब मतलब जो पहली इशू आ रही थी मेरे को कि मेरा कूलेंट खत्म हो गया था पहली 10 डेज के अंदर। अच्छा। तो मैं गया तो उन्होंने पहले डाल लिया, फिर जब मैं दूसरी बार जब मैं गिरने पे गया तो उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटा बिठा के रखा और बोला कि अभी हम कर रहे हैं आपका कर रहे हैं बोलते हुए मेरा 1-1.5 घंटा वहाँ पे बीत गया, मतलब वेस्ट हो गया मेरा वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला गया, मैंने करवाया नहीं कुछ। फिर जब मैं सर्विस करवाने गया, ज़्यादा अच्छी सर्विस मेरे को करके दी नहीं उन्होंने, और ऐसी गाड़ी साफ सूफ करके दे दी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी मेरे थोड़ी बहुत रोड़ी के वो हैं, क्योंकि मतलब मैं रोड़ी पे चला गया था, थोड़ी बहुत रोड़ी के दबे हुए हैं ऊपर भी हैं, तो उन्होंने ढंग से साफ करके नहीं दी मेरे को, ऐसी गाड़ी पूछी और थोड़ा बहुत साफ किया और दे दी, क्योंकि नई नई गाड़ी है तो ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता उसमें, तो मेरे को सर्विस पहले पहले अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने उनको कंप्लेंट करी कि उनके उन्होंने सर्विस एक्सपीरियंस मांगा था, तो मैंने बहुत अनसर्न लिखा था, मैंने फिर उसके बाद उनको थोड़ा बहुत ठीक होने लगे, अभी ठीक है, अभी ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था कंप्लेंट से पहले, कंप्लेंट से पहले अच्छे नहीं थे वो लोग। और सर्विस कॉस्ट अभी आपने बताया जैसे एक सर्विस हो चुकी है इसकी, कितनी सर्विस कॉस्ट आई थी उसमें? मेरे 1800 आई थी। और क्या क्या उसमें पार्ट्स वगैरह क्या चेंज हुआ था कुछ? उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था, बस इंजन ऑयल चेंज हुआ था और इन्होंने बस ऐसी गाड़ी दी मेरे को साफ करके दे दी, ले जाओ और उन्होंने पूरे दिन ले लिया था। अच्छा, ये करने में सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने और साफ करने में पूरा दिन ले लिया था बस। सुबह गया था मैं 10 बजे लेके और 5 बजे मैं घर पे लौटा। तो केशव भाई आपने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई है बाइक में अभी तक?
जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तो ये मैंने वाइजर लगाया है जो मेरे को 450 का पड़ा है। तो मतलब जो 2022 मॉडल है उसमें बड़ी वाले मतलब वाइजर आपको लगता है, वो आपने चेंज करवाया है। तो ये आपने बजाज से लिया था ये कहीं नहीं, मैं 99 आरपीएम से लिया था। बजाज वाले पे अवेलेबल नहीं था उस टाइम तक, तो मैंने 99 आरपीएम से लिया तो मेरे को 450 का पड़ा है, 450 का। ठीक है, और क्या एक्सेसरीज लगवाई? और मैंने ये पीछे का लिया, ठीक है, वो जो पहले कैरियर आता था, हाँ। तो मैंने उसको हटा के ये लगा लिया जो मेरे को पड़ा 600 का। 600 का, हाँ। ये मतलब विद फिटिंग है या फिटिंग आपने करी थी? फिटिंग मैंने करी थी। अच्छा, फिटिंग आप घर पे कर सकते हो मतलब इजीली? फिटिंग 700 का पड़ता है मेरे को। अच्छा, 100 rupees लेते हैं फिटिंग के। ओके, बट ये आप इजीली घर पे कर सकते हो, बाहर से कराने की जरूरत नहीं, आप लेके आओ, आप इजीली इसको लगा सकते हो, राइट? ये टू यहाँ पे, टू यहाँ पे, बस खत्म। ठीक है, और क्या एक्सेसरीज लगाई? और मैंने ये लगाया है, और क्योंकि बजाज की नंबर प्लेट होल्डर ज्यादा बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो मैंने ये लगाया है। अच्छा, ये जो होल्डर आपने लगवाया है, जो मेरे को आगे पीछे के पड़े हैं, मेरे को 250 के, 250 के, 250 ओके। और उसके बाद मैंने एग्जॉस्ट बदलवाया है, क्योंकि एक ही जिंदगी है तो मजे लेना बनता ही है इस गाड़ी के, तो मैंने एग्जॉस्ट फिटिंग करवाया है जो मेरे को पड़ा है 5200 का। तो केशव भाई, आप जैसे बोल रहे थे कि एग्जॉस्ट पहले से ही काफी अच्छा था, तो फिर आपको मतलब क्या जरूरत लगी कि आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया? एग्जॉस्ट काफी अच्छा था, बट थोड़े मजे चाहिए थे तो मैंने बदलवा दिया, क्योंकि एक ही जिंदगी है, मजे लेना बनता है। ठीक है, एक बार व्यूअर्स को भी सुना देते हैं इसका एग्जॉस्ट जो आफ्टर मार्केट लगवाया है। बात तो है भाई एग्जॉस्ट में, और क्या एक्सेसरीज लगवाई केशव भाई? मैंने बेनेली से कॉपी किया है, ये जो बेनेली वाले लगा के देते हैं, पर ये मैंने अलग से लगाए हैं। ये मेरे को पड़ा था, ये मेरे को पड़ा है 250-300 के आसपास, क्योंकि मैंने मतलब फेस्टिवल सेल पे लिया था तो मेरे को 250 का पड़ा, वैसे ये 300 का है। और कोई एक्सेसरीज आपने लगवाई? हाँ, मैंने इसमें हजार्ड फ्लैशर्स लगाए हैं सिमटेक के, जो मेरे को पड़े हैं 1199 के। ओके, 1199 मतलब इंडिकेटर्स ऑब्वियसली कंपनी फिटेड है, बट आपने इसमें ब्लिंकर लगाया है, वो भी आपने खुद लगाया क्या? लगाया मैंने। केशव भाई, ये एग्जॉस्ट आपने आफ्टर मार्केट लगवाया, मतलब यही ऑफलाइन शॉप से लिया है या ऑनलाइन मंगवाया था? मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेजोन से, क्योंकि ऑफलाइन मेरे को महंगा पड़ रहा था, 5000 का पड़ रहा था, ऑनलाइन मेरे को 2700 का मिला है। ओके, फिटिंग आपने आफ्टर मार्केट करवाई है? तो केशव भाई से हम लिंक ले लेंगे इस एग्जॉस्ट का, अगर आपको एग्जॉस्ट साउंड इसका पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एंड आप जाके उस पर बाय कर सकते हो। और कोई एक्सेसरीज आपने करवाई हो केशव भाई? ये मैंने टायर की टेपिंग करवाई थी नियर शॉप से, ठीक है, तो मेरे को सिर्फ 250 rupees लगे थे विद लेबर, तो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं जब ये चलती है। ग्रीन एंड व्हाइट आपने करवाया ना? तो केशव भाई, आपको ऑन रोड बाइक कितने की पड़ी, और ये कैश में ली आपने या फाइनेंस वगैरह करवाया था? मैंने फाइनेंस करवाया था, ठीक है, और ऑन रोड प्राइस की 258 की है, तो मेरे को 260 की पड़ी विद बुक्स, ठीक है, जो उसमें जो बुक्स लगती है, मतलब जो पेपर्स होते हैं, मेरे को 2000 एक्स्ट्रा चार्ज किया उन्होंने। बुक्स मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, कैसे बुक्स? जो पेपर वर्क करते हैं ना फाइनेंस का, हाँ। वो मेरे को 2000 एक्स्ट्रा पड़ा उसमें। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस आपके, हाँ। जो फाइनेंस हुई थी, ठीक है, यस। तो फाइनेंस आपका कितना, मतलब आपने डाउन पेमेंट दिया तो कितना ईएमआई बनाए कितने साल के लिए? मैंने 1,00,000 rupees मैंने डाउन पेमेंट किया था, ठीक है, और मेरी 8,000-9,000 तक के बीच में मेरी जाती है हर महीने, ठीक है, हाँ। तो मेरी टोटल मेरे को पड़ेगी कम से कम ये नियर टू 3 lakhs। कितने साल के लिए आपने ईएमआई करवाई है? 2 years। 2 years के लिए 8-9,000 के आसपास जाती है, मतलब ये चेंज होता रहता है या फिक्स है, कैसे जाता है? फिक्स नहीं है, कभी डोमिनार वाले जो मैसेज करते हैं हम उसी हिसाब से हम अपने बैंक में मतलब पैसे डाल देते हैं। तो केशव भाई, आप बोल रहे थे बाइक का माइलेज काफी अच्छा है, तो कितना आपको सिटी में और कितना हाईवे पे मिल रहा है माइलेज? सिटी में मेरे को कभी कभी जैसे अगर रश चलाते तो 23 के आसपास मिल जाता है, अगर थोड़ा हम स्टिल चलाते हैं तो 25, और हाईवे पे मेरे को 31-35 तक मिल जाता है काफी। कितनी स्पीड में आपने हाईवे पे क्रूज करी है? हाईवे पे मैंने 6th gear पे 100 पे क्रूज करी है, तो अराउंड 35 का माइलेज आपको, हाँ, मिल रहा था। काफी अच्छा मेरा माइलेज है, जैसे कि मैं देहरादून टू नीलकंठ गया था तो मेरे को 35 का मिला था। ओके, हाँ। एंड क्रूजिंग स्पीड कितनी है इस बाइक की, अगर मतलब कंफर्टेबल कितने पे क्रूज कर सकते हो आप? 100-110 पे काफी अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है, ऐसा चलता है कि मतलब बाइक बंद है। तो केशव भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या आप ये बाइक बजाज डोमिनार 400 2022 मॉडल दूसरों को रिकमेंड करोगे? पहले मैं बोलता हूँ, अगर आपको स्ट्रीट में चलानी है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात है कि उसमें वेट ज़्यादा है इस बाइक में, जैसे कि आपको पता है वेट ज़्यादा है, तो कंट्रोलिंग में कभी आप ऐसे हिल जाते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी बात है, इसमें हीटिंग इशू काफ़ी होता है स्ट्रीट में, कभी आप झटके मार के रोक रहे हो, कभी चल रहे हो, तो इसमें हीट काफ़ी हो जाती है भाई। और अगर आपको ट्रैवल करना है लॉन्ग रूट्स पे तो बेस्ट है, इस सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट बाइक है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे देती है, तो ये सही है।
फॉर टूरिंग इट्स यस, फॉर स्ट्रीट इट्स नो। तो अगर आपको चाहिए एक बाइक सिटी के लिए तो डोमिनार 400 इसके ओनर रिकमेंड नहीं करते हैं, बट आपको एक अगर ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप टूरिंग पे या क्रूजिंग आपको करनी होती है तो डोमिनार 400 इज द बेस्ट बाइक फॉर यू अकॉर्डिंग टू द ओनर। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप इसका डिटेल रिव्यू या माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको पराई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इन कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि डोमिनार 400 में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।